ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम यहाँ आपके समक्ष फिल्म सनातन धर्म के इस दूसरे भाग का प्रसारण करने जा रहे हैं। इस फिल्म में हम आपको वार के संबंध में अवगत कराएंगे कि वार कभी भी रात के 12 बजे नहीं बदलते। तो फिर जब भी हम वार का निर्णय करते हैं कि रात के समय कौन सा वार था, जैसे कि बहुधा ये होता है, जैसे जन्म कुंडली बनाते समय या ज्योतिषी गणना में जब रात का जन्म हो तो यह निर्धारित करने में हमेशा ही कठिनाई होती है कि किस वार का जन्म था, क्योंकि बताने वाला कुछ और बताता है और दरअसल होता कुछ और वार है। क्योंकि वार कभी भी रात के 12 बजे नहीं बदलता है, इसलिए रात की कुंडलियों में अधिकतर गलतियां होती हैं। और यह पूछना है, जैसे किसी का जन्म जो है 21 और 22 तारीख के बीच की रात में हुआ है, तो फिर कौन सी वार को या तिथि को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसा जानने के लिए हमें इस फिल्म को पूरी देखना पड़ेगा। और इस फिल्म में हम साथ में ही बॉलीवुड की और टीवी सीरियलों की मशहूर अभिनेत्री आभा परमार जी का भी यहाँ पर एक वीडियो दे रहे हैं। उन्होंने यह हमें भेजा है, इसे हम यहाँ अपनी चैनल पर अपनी फिल्म में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आभा परमार जी ने हमको दिया है प्रसारित करने के लिए, और इसे आप देखें, उनकी अपील को सुनें। और फिल्म और टीवी के जितने भी कलाकार हैं या एक्स्ट्रा कलाकार होते हैं, उनकी जो संभव हो मदद करें। और जब तक कि शूटिंग या रीशूटिंग दोबारा से शुरू नहीं होती, तब तक उनको मदद लाजमी है। इन सभी कलाकारों को आप इस वीडियो को गौर से देखें, उनकी आवाज़ सुनें। और अब हम बात करते हैं सनातन धर्म में वार के निर्णय की। तो हमेशा ध्यान रखें कि वार कभी भी रात के 12 बजे नहीं बदलता है। रात के 12 बजे घड़ी बदलती है, लेकिन वार नहीं बदलता। वार जो है हमारे भारतीय सौर सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, और वार सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक रहता है। इसका अर्थ ये है कि वार सूर्योदय के समय पर बदलता है और दूसरे सूर्योदय तक रहता है, यानी कि सूर्योदय के समय वार बदलेगा। और सूर्योदय का निर्णय कब किया जाएगा, ये पत्रा में या पंचांग में देखकर निर्णय लिया जाता है कि किसी शहर में सूर्योदय का क्या समय दिया है या क्या काल दिया है उस दिन। हर दिन सूर्योदय का अलग अलग समय रहता है, अलग अलग लग्न रहती है सूर्योदय के समय की, जो कि महीने के हिसाब से बदलती है। और उसमें हर दिन थोड़ा सा मान घटता या बढ़ता है सूर्योदय का। ऐसे ही सूर्यास्त के समय का मान भी रोजाना थोड़ा घटता बढ़ता है, और 6 महीने में इसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। 21 और 22 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात रहती है, वहीं पर 21 और 22 दिसंबर के बीच में सबसे बड़ी रात
और सबसे छोटा दिन रहता है। आज इसी बात पर मुख्य जो सौर सिद्धांत है भारत का, तो उसमें जो वार की गणना का निर्णय है तो वो है सूर्योदय से। इसी अनुसार हमें शुक्रवार है तो शुक्रवार का सूर्योदय से शुक्रवार लगता है और पूरी रात शुक्रवार ही रहेगा आगे, और शनिवार की सुबह सूर्योदय होने तक। ये मुख्य बात है। यहाँ पर कई बार व्रत का निर्णय करने में या कई बार किसी महत्वपूर्ण तिथि की या वार की जरूरत हो उस निर्णय में अक्सर गलतियाँ होती हैं। जन्म कुंडली में तो होती ही है, पूजा पाठ में या तंत्र में या मंत्र में या यंत्र में। ज्योतिष में तो ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं जो भी रात की कुंडली हो। तो रात की कुंडली वालों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रात के जन्म का जब भी आप समय लिखें तो उसमें तारीख जरूर लिख लें कि पिछली तारीख क्या थी और आने वाली तारीख क्या है, यानी कि 21 और 22 की रात के दरमियान। तो कौन सी दो तारीखों के बीच दरमियान का जन्म है ये निर्धारित करना या तय करना बहुत ज़रूरी है, वरना रात की जन्म कुंडली कभी सही नहीं बनती। तो ये कुछ चीज़ें हैं तो इसको ध्यान रखना चाहिए और इसी अनुसार ही कोई भी निर्णय करना चाहिए, क्योंकि वार कभी रात के 12 बजे नहीं बदलता। बार हमेशा ही सूर्योदय पर बदलेगा और दूसरे दिन के सूर्योदय तक रहेगा। इसके साथ इस फिल्म में इतना ही, बाकी तो आभा परमार जी का वीडियो है वो इसमें जा रहा है। जो ग्वालियर में हमारे साथ ही हमारी सीनियर रही हैं, साथ ही पढ़ी हैं, उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत ग्वालियर ही से की थी। तो उन्हें शुभकामनाओं के साथ और इस उम्मीद के साथ भारतवर्ष से सभी फिल्म कलाकारों और टीवी कलाकारों को मदद पहुंचेगी। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय भारत। नमस्ते। सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। और असल में मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप सबसे बात की जाए। आप सबसे मतलब जो हमारी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जो आर्टिस्ट हैं ख़ास तौर से, क्योंकि मन में एक बात आ रही थी। हम बहुत तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं जिसमें हम कोरोना वायरस से लड़ने की बात कर रहे हैं, मज़दूरों की मदद करने की बात कर रहे हैं, देश के साथ देने की बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं। बट एक बात थी जो बार बार मेरे मन में आ रही थी, जो कोई भी नहीं कर रहा। हालांकि लोग मदद कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इंसानियत का पूरा सबूत दे रहे हैं। बावजूद इसके मैंने खुद अपील की सिंटा की तरफ से शुरू में, उसके अलावा कोई ऐसी नेशनल न्यूज़ पे कोई खबर हो या कोई पर्सनली ऐसी बात कर रहा हो, ऐसा मैंने नहीं सुना। हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम इतना टैक्स देते हैं सरकार को, इतना बड़ा बिजनेस है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस समय मुश्किल के हालात में मुझे बहुत दुख है कि कोई भी नहीं सोच रहा। हालांकि सबके मन में ये सवाल है, सबके मन में ये बात है, बट हम क्यों नहीं कह रहे, क्यों नहीं बात कर रहे। देखिए, हमारी पूरी इंडस्ट्री पर डे पे काम करती है और हर दिन, हम ज़रूरी नहीं कि हर दिन हर आर्टिस्ट काम कर रहा हो। 90 डेज का क्रेडिट होता है, तो ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा था और इस बीच में लॉकडाउन हो गया, कोरोना की ट्रेजेडी आ गई और हम सब उसमें लग गए।
सब लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। हमने भरपूर 3 महीने से हम लोग घर में बैठे हैं, भरपूर ये कोशिश की कि जितना हो सके हम चलें कदम से कदम मिलाकर, लेकिन अब वो हालात आ गए हैं जिस तरह की बातें हो रही हैं कि कब खुलेगी इंडस्ट्री, कब हमारा काम आगे बढ़ेगा। और काम से मतलब रोज़ी रोटी है, हमारा पेट है, हमारी भूख है, हमारा परिवार है, सब कुछ हम इसी से ही पालन पोषण करते हैं। तो सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सीनियर हैं, नाम है, बट हम सब की जो हालत है आप सब जानते हैं, हम सबको पता है कि जब नोटबंदी हुई उसके बाद से तो मुझे लगता नहीं कि किसी के पास भी घर में एक मिनिमम अमाउंट के बाद किसी ने घर में रखा हो पैसा। और पैसे भी इतने तो नहीं होते हैं कि हम साल भर बैठ के खा लेंगे। तो ये वो बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट जो नोन भी हैं उनकी भी हालत अब ढीली होती जा रही है। मैं कह सकती हूँ कि अगले शायद अगर यही हाल रहे तो अगले 2-3 महीने में हमें भी मज़दूरों की तरह आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भाई हमारे पास भी खाने के लिए नहीं है। लोग हेल्प कर रहे हैं बट कितनी हेल्प कर देंगे। अभी पैकेज अनाउंस हुआ, सबका नाम था, हमारा कहीं नाम नहीं था इंडस्ट्री का। क्या हमें सहयोग की ज़रूरत नहीं है? क्या हम में से बहुत सारे लोग या तो शर्म के मारे या तो हालात की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं बट उनके हाल ढीले हो रहे हैं, हम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। किसी ने भी नहीं किया है, करना चाहिए, कौन करेगा? हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हम एक परिवार हैं, फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा फैमिली है, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी क्या कहीं सिंडा के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट है फंड का? कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा मिशन, कोई ऐसा संगठन जो इंडस्ट्री के लिए खड़ा हुआ हो? नहीं हुआ। हाँ, आर्टिस्टों ने पर्सनली, हमने ही उल्टा जा कर के दूसरे जो ज़रूरतमंद थे उसमें कोई कैटेगरी नहीं थी कि ये सिर्फ आर्टिस्ट हैं या ये सिर्फ मजदूर हैं। जिस तरह से भी एक इंसानियत के लिए लोगों ने खुद से जाके पहल करी और लोगों को बांटा, लेकिन हमारे लिए अभी तक कहीं पहल नहीं हुई है। सिंटा ने की एक छोटी सी कोशिश लेकिन बहुत छोटी है। अब जो हालात हैं, अब जो आने वाले हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं। सो प्लीज़, हमें लगता है जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी ज़िम्मेदार हैं, जो महसूस करते हैं, प्लीज़ इस बारे में बात की जाए। और हमें भी तैयारी करनी चाहिए जो आगे आने वाला वक्त है। शूटिंग का कुछ पता नहीं है, कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी और कितने लोगों को काम मिलेगा। ऐसे ही कितने सारे लोग जो हैं जिनके पास काम नहीं होता था, तो उनके क्या हाल होंगे ये भी सवाल है। सो हमारा फ़र्ज़ बनता है, सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री के लिए, सबसे पहले हमारे परिवार के लिए, तो प्लीज़ इस बारे में बात की जाए। प्लीज़ ट्राई करें, शुरुआत करें।